देना सिखा सकते हैं। पेशेंट बैठे हुए हैं यहाँ पे, उसको हॉस्पिटल में प्रॉपर सीरियस है तो उसके लिए वेंटिलेटर की सुविधा है। इस माध्यम का ज्ञान है दोस्तों, आज मैं आया हूँ यहाँ पे MS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है, और CMACD BNBIOS DMLT करने के लिए सजेस्ट किया है मैंने आप कई बार, और कई स्टूडेंट्स कर भी रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज हैं अवेलेबल, और बच्चों को किस तरह से सिखाया जाता है, क्लासरूम्स कैसे हैं, लैब्स कैसी हैं, सब कुछ जानेंगे आज अपन। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, मिलते हैं यहाँ के फैकल्टीज और MD सर से। तो चले देखते हैं MS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से। एंट्री हो जाती है गाइस, और चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको कैंपस किस तरह का है। और दोस्तों यहाँ पर रिसेप्शन एरिया MS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का, और यहाँ पे अभी मैं जाता हूँ सर से मिलने। सर आप बताइए कि आपका जो कॉलेज है यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज आप बच्चों को दे रहे हैं और किस तरह से बच्चों को सुविधा मिल रही है। तो हम आपको बताना चाहेंगे MS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की जो स्टार्टिंग थी 1998 से हुई, और 1998 से CMACD और DNYS कोर्स लेके हम लोगों ने विद्यालय शुरू करा था। आज संस्था के अंदर तमाम कोर्सेज हैं, जैसे DNYS है, BNYS है, DMLT है, BMLT है, या डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी है, या CMACD या CCH है, या अर्लियर चाइल्ड हेल्थ केयर है, ये तमाम तरीके के कोर्सेज हम लोग करवाते हैं। दोस्तों कोर्सेज कराने का मेन अर्थ ये रहता है कि बच्चा हमारे यहाँ से अगर कोर्स कर रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहा है प्रैक्टिकल नॉलेज भी उसके लिए लेना जरूरी है। तो उसके लिए एक हम लोगों का हॉस्पिटल भी है, MSDC हॉस्पिटल, जहाँ पे बच्चे को हम लोग प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। हमारी पैथोलॉजी लैब भी हमारी खुद की है, जहाँ पे बच्चे जो है लैब में जाते हैं और काम देते हैं। या एनाटॉमी फिजियोलॉजी की लैब है, उसमें जाके बच्चे को सिखाया भी जाता है। आइए हम आपको एक एक चीजें करके दिखाएंगे भी कि क्या क्या हमारे संस्थान में है, क्योंकि बहुत सारे मैं आपके कमेंट भी देखता रहता हूँ, रहता है कि सर एक बार जाइए इंस्टीट्यूशन को दिखाइए कैसा है क्या नहीं है। और हाँ, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सबसे मेन चीज तो ये है कि ज्यादातर बच्चे जो यूपी के हैं खासतौर पर, उनके कमेंट आते हैं कि उनका एनओसी नहीं मिल पाती है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट से वो कर लेते हैं बाद में पछताते हैं। तो इसमें क्या रहता है आपका एफर्ट कि उनको एनओसी वगैरह मिलती है क्या नहीं? देखिए MS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है सारी चीजें आपको डिग्री फॉर्म में करा के देता है, और इसके बाद भी अगर इन केस कोई दिक्कत आती है या नोडल अधिकारी आता है आपके यहाँ, या CMS आता है, या CMO आता है, अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो उसके लिए हम लोग हर तरीके से संभव प्रयास रखते हैं कि बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। इसके लिए हमने कई सारे केस भी लड़े हैं, जो केस हम लोगों ने जीते भी हैं, वो भी हम आपको भी आगे दिखाएंगे। ठीक है, और मैडम कॉलेज के साथ साथ हॉस्पिटल भी देखने चलेंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं सर का पूरा कॉलेज का कैंपस देख लेते हैं, सर के साथ ही चलते हैं, सर दिखाएंगे अपन को। आइए जो एनाटॉमी से रिलेटेड, जस्ट लाइक बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड अलग अलग चीजें यहाँ पे प्रेजेंट रखी हुई है। जस्ट लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे जॉइंट्स के बारे में रखा हुआ है, अलग अलग टाइप्स के जो जॉइंट्स है उसके बारे में यहाँ पे स्ट्रक्चर बेस पे आप लोगों को पढ़ाया जा सकता है कि किस तरीके से आपको स्कल रखा हुआ है, जो स्कल में जो बोन्स प्रेजेंट है वो बताई जाएंगी। यहाँ पे ये डमी रखी हुई है, इसमें ये डमी रखी हुई जैसे कि कुछ प्रोसीजर जो होते हैं डमी पे ही परफॉर्म करते हैं, जस्ट लाइक CPR प्रोसीजर है जो डमी पे ही परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए ये डमी है, यहाँ पे CPR देना सिखा सकते हैं हम, CPR जो देंगे वो बच्चों को। और ये यहाँ पे बच्चों की डमी भी है, ये बेबी के लिए डमी रखी है, बेबी के जो पार्ट्स है और जैसे कि जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं पीडियाट्रिक में मेंटेन करने के लिए ये सब लिए। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ है, मतलब कि कंप्लीट एक लैब है, लैब इंचार्ज यहाँ पर सर है जो आपको बताएंगे कि बच्चों को लैब में क्या क्या सिखाते हैं। स्कोप है जी, इसमें हम DLC रिलेटेड मोस्टली स्लाइड्स जनरल माइक्रो बच्चों को सिखाते हैं, स्लाइड्स को देखना, स्लाइड्स को देखना। ओके ठीक है, और भी चीजें है और बाकी काम हमारा ये इसमें हमारा हार्मोन हो जाएगा मोस्टली जितना भी हार्मोन से एंडोक्राइन से बाकी कौन सी मशीन है हमारा ग्लूकोज हो गया, जो बायोकेमिस्ट्री बायोमेडिकल्स होते हैं वो रहता है।
बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। लैब भी बहुत अच्छी है, आप लोगों ने देखा गाइस, जो भी स्टूडेंट पढ़ेंगे उनकी लैब में प्रैक्टिस करने के लिए बहुत कुछ है। और चलते हैं आगे, अब बताइए सर, आप लोगों की फैकल्टी भी जुड़ी बात है, फैकल्टी से जुड़ी बात है, इसके अलावा क्लास में तो हम लोग के क्लास में जी भी आपको जुड़ी बात है। टीचर से रहते हैं क्योंकि कोई भी संस्थान चलाने के लिए इसमें टीचर होना जरूरी है और सहयोग से लोगों की चलता है, तो हमारे जो फैकल्टी है उनसे भी हम आपको मिल जाते हैं और चीज़ें बताते हैं। ये सबसे तो सर यहाँ पे आप किस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं सर? यहाँ पे पैथोलॉजी सब्जेक्ट, पैथोलॉजी पढ़ाते हैं जी। ठीक सर, और सर आप फार्माकोलॉजी पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैडम आप एनाटॉमी, ठीक ठीक, आपसे मिल चुके हैं हम। तो यहाँ पे फैकल्टीज भी हैं चीजें पढ़ाई जाती है, लोग होता है प्रैक्टिकल कराते जाते हैं, सारी चीजें हमारे यहाँ अवेलेबल है, आपने लैब वगैरह सारी चीजें फॉलो करते हैं। थैंक यू। एक क्लासरूम यहाँ पर भी है सर, ये क्लासरूम है, ऐसे हम लोगों का 8 क्लासरूम है जी। अभी 1 जुलाई से बच्चों की क्लासेस चलेगी क्योंकि 10 जून को एग्जाम हुआ था बच्चों, जी जी जी, छुट्टी चल रही है जी जी, 1 जुलाई से कैसे कंटिन्यू क्लासेस होगी। तो यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है सर? यहाँ पे अलग अलग क्लासेस रहती है, कॉलोजी वगैरह है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, हाँ हाँ हाँ। तो ऐसी बहुत सारी क्लासेस हैं और हॉस्पिटल हॉस्पिटल वहाँ के डॉक्टर से बात करेंगे। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं एमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का जो हॉस्पिटल है देखने, सो बने रहिए वीडियो में, आपको हॉस्पिटल देखकर भी बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों ये रहा एमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का हॉस्पिटल, तो चलिए दिखाते हैं आपको हॉस्पिटल के अंदर की फैसिलिटीज। तो ये रही स्ट्रेचर, व्हील चेयर और शुरू में यहाँ पे मिलता है दोस्तों एक रिसेप्शन और कुछ पेशेंट बैठे हुए हैं यहाँ पे दोस्तों, और इमरजेंसी रूम है, रिसेप्शन है, और सर से मिलता हूँ मैं। सबसे फार्मेसी बहुत जरूरी चीज है क्योंकि फार्माकोलॉजी मोस्टली जो बच्चे सीखते हैं वही फार्मेसी का ही पार्ट रहता है। हाँ ये सर आपसे बेटर कौन जानता होगा। तो हॉस्पिटल में एक प्रॉपर फार्मेसी है, बताइए हम आपको अपना इमरजेंसी रूम देखिए। तो इमरजेंसी पेशेंट को देखने के लिए बाकी ओपीडी के लिए डॉक्टर हम लोगों के यहाँ रहते हैं, एमडी डॉक्टर्स रहते हैं, गायनी के हम लोगों की बात रहते हैं, मनोज तिवारी सर है एमबीबीएस, वो अपने एमबीबीएस एमडी डॉक्टर से मिलाते हैं और उनसे बताते हैं कि एक टाइप का इलाज लोगों के यहाँ होता है वो जी। वेरी गुड आफ्टरनून सर। सर कैसे हैं सर आप? हमारे सर का एक बहुत ही साहसी कदम है और उनकी इस सब्जेक्ट में मेरी भी एक पुनरावृत्ति है और मैं एमबीबीएस जी सर, मेरा सुपरवाइजेशन मैं सबके साथ कर रहा हूँ और यह प्रयास करूंगा कि इस ग्रामीण अंचल में मेरे द्वारा
जो भी कुछ हर संभव अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया करवाया जा सके, यही सब काम करना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर यही कहेंगे कि जो बच्चे यहाँ से कोर्सेस कर रहे हैं उनको आप गाइड करते हैं, बहुत अच्छे से सीख जाते हैं बच्चे, क्योंकि प्रॉपर एमडी एमबीबीएस डॉक्टर अगर गाइड कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है ये। ठीक, तो हमें सर आपसे बहुत अच्छा लगा मिलकर, और इस तरह से हेल्प करते रहे सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। लोगों का अल्ट्रासाउंड होता है, और बच्चे जो यहाँ पे सीखते हैं उनके लिए आप हेल्प करते हैं, उनको सिखाते हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के बच्चों के लिए? जी बिल्कुल, जो फ्रेशर स्टूडेंट हमारे यहाँ आते हैं जिनको कुछ नॉलेज नहीं होती, जिन्हें कुछ पता नहीं होता है, उनको हम लोग नॉर्मल डिलीवरी और गायनी पेशेंट कैसे देखा जाता है, क्या क्या चीजें उनमें मतलब मैटर करती है, सब चीजें जानना और बताना सीखा। जी हाँ, क्लिनिकल फीचर्स समझा देते हैं आप। जी तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे मैडम है, गायनेकोलॉजिकल जो भी प्रॉब्लम्स हैं बच्चों को डायग्नोज करना सिखाते हैं, और तो इससे क्या होता है कि बहुत अच्छे से बच्चा डायग्नोज करना सीख भी जाते हैं। थैंक यू मैम जी। थैंक यू सर। कैसे सर आप? तो सर आप एक्सरे करना सिखाते हैं बच्चों को, और एक्सरे की जो मशीन ऑपरेट करना सिखाते हैं, तो बच्चे सीखते हैं बढ़िया सर यहाँ पे। और कुछ कहना चाहेंगे सर आजकल बच्चों को? बच्चों को ये है कि ढंग से प्रैक्टिस करें तो अच्छी चीज है, जल्दी सीख जाए। यहाँ पे थोड़ी फिल्म निकालने वाले तो सर अभी बिजी है। तो ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, इस तरह से बच्चों की हेल्प करते रहें। थैंक यू। जी जी। और सर ने बताया कि हमारे वीडियोस देखते हैं और सभी लोग खुश हो गए कि यहाँ से ट्रेनिंग ले रहे हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पे? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना, सीखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक ठीक है भैया, थैंक यू। जहाँ पे एक्सरे होता है ये एक्सरे की यहाँ पे फिल्म इधर एक्सरे होता है और इधर फिल्म होता है, ये वो भी होती है जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर। हम लोग पूरी कोशिश रहती है कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखा सके, नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है, सर्जिकल डिलीवरी कैसे होती है, ये सारी चीजें बच्चे को सिखा सके, तो इसीलिए सारी चीजें हम लोगों ने एस्टेब्लिश कर रखी है। और आपको ये चीज हम बहुत बड़ी चीज बताने जा रहे हैं कि भारत का मात्र एक ऐसा संस्थान है सीएमसीडी का, जिसमें आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है, एमबीबीएस डॉक्टर भी आपके पास अवेलेबल है, एमडी डॉक्टर भी आपके पास अवेलेबल है, सर्जन भी अवेलेबल है, रेडियोलॉजिस्ट भी अवेलेबल है, ओटी है, जहाँ पे बच्चा सीख सकता है। ये नहीं कि कोई भी चीजें किताबें पे चलिए, ये सारी चीजें एक्चुअल है। 6 महीने की इंटर्नशिप, 6 महीने की, 1 जनवरी से इंटर्नशिप आपकी शुरू होती है और 15 जून तक आपकी इंटर्नशिप खत्म हो जाती है। आइए हम आपको आईसीयू दिखाते हैं। आईसीयू में वेंटिलेटर की भी सुविधा उपलब्ध होती है, कोई पेशेंट अगर कुछ ज्यादा ही सीरियस है तो उसके लिए वेंटिलेटर की सुविधा रहती है, और 24 घंटे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, तो यानी हर टाइप के पेशेंट आते हैं तो ट्रीटेबल रहते हैं। ऊपर जनरल वार्ड सर, हम लोगों का एनआईसीयू वार्ड 3 बेड का हमारे पास एनआईसीयू वार्ड है, और जहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी को जो है ट्रीट करा जाता है। जाहिर सी बात हमारे पास जितने भी बच्चे मोस्टली सीनियर सिटी करते हैं उसमें से 60-70% बच्चे के लिए स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो चाइल्ड पेशेंट भी देखते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया होकर रहता है देखने के लिए और सीखने के लिए। तो ऑलमोस्ट बच्चे के लिए जितना सीखना जरूरी है उससे कई गुना ज्यादा सीख सकता है यहाँ पर। ठीक, थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकल बहुत सी चीजों को किया जा सकता है।
और पहले हमें पूरा हॉस्पिटल दिखाया, पूरा कॉलेज दिखाया, और कुछ बचा कैसे? तो ठीक सर, बहुत खुशी हुई आपने इतना समय दिया हमारे, और बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे सर? बच्चों के लिए बस एक यही बात है कि कभी भी जैसे आप CMECD कोर्स करिए तो कॉलेज विजिट जरूर करिए। होता क्या है कि ऑनलाइन आप लोग कोर्स कर लेते हैं या फिर फोन पे बात करके, नहीं तो एटलीस्ट आप वीडियो कॉल करके कॉलेज विजिट करिए। मेरा मेरे पास कि आके वीडियो बनाते बिल्कुल बच्चों के, और खुद से आएंगे बच्चे तो और ज़्यादा बेहतर है। मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने कई अलग अलग तरीके से अपना CMECD करा होता है, लेकिन बाद में दिक्कत ये आती है कि वो कॉलेज वाले उनके फ़ोन नहीं उठाते। देखिए फ़ोन इसलिए नहीं उठाते जिसका सेटअप छोटा सा होता है, यानी एक ऑफिस में अगर एक दुकान में किसी का काम चल रहा है तो उसको बंद करके ताला लगा के भागने में समय नहीं लगता जो, और जिसका इतना बड़ा सेटअप होता है वो जमा हुआ है। मुझे 1998 से संस्थान चल रहा है, शायद मेरी पैदाइश है 1992 की, उससे पहले उसके बाद से संस्थान चल रहा, बहुत छोटा मैं रहा था, और ये सारी चीज़ें चल रही कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश हैं। आप 2023 चल रहा, अभी भी चीज़ें चल रही, तो जो भी चीज़ें करी सोच समझ के करिए, और इन केस कोई भी समस्या आपको आती है तो हमारा दिया गया नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और ये भी एक बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा 4.5 के रिव्यू जो है सिर्फ हमारे संस्थान के CMECD में। तो जिस व्यक्ति को, जिस बच्चे को CMECD, BMYS, DMYS, DMLT, DMLT या CCH भी करना है तो सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और एड्रेस भी लिखा है कॉलेज का और हॉस्पिटल का, तो यहाँ पे ज़रूर से विजिट करें, और कोई भी डाउट है सर से बात कर सकते हैं आप। और यही हमारा उद्देश्य था, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें अच्छा लगा, मिलते हैं दूसरे लोग दोस्तों, जब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद।